हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू द यूएफसी दोस्त यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब देख रहे होंगे कि मैंने अपना जो पुराना माइक का सेटअप था वो पूरा हटा दिया है और मैंने अभी एक वायरलेस माइक पहन रखा है। तो आप सब मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में सबसे पहले ये बताइएगा कि पिछली वीडियोस से इस वीडियोस की ऑडियो क्वालिटी कैसी है और मेरी वॉइस में कुछ बेटर हुआ है कि नहीं। जो भी आप सबकी शिकायतें थी वॉइस से रिलेटेड, ऑडियो से रिलेटेड, आई होप इस माइक से सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। और इस माइक का ऑडियो मैंने अभी पूरी तरीके से रॉ रखा है, तो मैं इसको थोड़ा एडिट वगैरह भी करूंगा फ्यूचर वीडियोज में। बस अभी चेक के लिए मैंने एकदम रॉ ऑडियो डाल के दिया है इस वीडियो में। तो भाइयों जल्दी से अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज का वीडियो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर है, इलिया टोपुरिया के बारे में। देखिए भाइयों, इस फाइट का हमने यहाँ पर एनालिसिस करा था, इलिया टोपुरिया वर्सेस जॉश एमेट, जिसमें मैंने आप सबको बताया था कि इलिया टोपुरिया के काफी अच्छे चांसेस है यहाँ पर कि वो इस फाइट को जीत जाएगा। और जैसा कि पोर्ट्रे करा जा रहा है कि जॉश एमेट कोई नॉकआउट आर्टिस्ट है, वो किसी को भी नॉकआउट कर सकता है एट विल, वैसा नहीं हो सकता। बट भाइयों आप देख सकते हो फाइट में भले ऐसा लग रहा होगा कि वॉर चल रहा था, बैक एंड फोर्थ चल रहा था, बट पूरी तरीके से फाइट वन साइडेड थी। इलिया टोपुरिया काफी अच्छा फाइट कर रहा था, जो कि मेरे को भी काफी अच्छा इंप्रेस करा। मैंने अपने एनालिसिस वीडियो में ये बोला था कि चार राउंड का एक्सपीरियंस या एडवर्सिटी का एक्सपीरियंस हमने इलिया टोपुरिया की तरफ से नहीं देखा है, लेकिन यहां पर काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया इलिया ने और साथ ही साथ इस फाइट को यहां पर एक तरीके से इतना डोमिनेट करा कि 50-42 का स्कोर कार्ड हमको देखने को मिला काफी टाइम बाद। तो भाई इस फाइट के बाद ऑलरेडी देखिए कॉल आउट कर रखा था इलिया टोपुरिया ने अलेक्जेंडर वोल्कनोव्स्की को, और इस फाइट के पोस्ट फाइट इंटरव्यू में भी उन्होंने यही बोला कि वो अब वेट करेंगे टाइटल शॉट का, या तो वो फाइट कर सकते हैं मैक्स हॉलोवे से अगर यूएफसी उनको स्पेन में फाइट करने देगी मैक्स हॉलोवे से, ये कहना है इलिया टोपुरिया का। तो देखिए मेरे हिसाब से, मैं पर्सनली देखिए इस विक्ट्री के लिए उनको बहुत ज्यादा कांग्रेचुलेशंस करता हूं और मैं इंप्रेस्ड भी हूं इस विक्ट्री से जॉश एमेट के ऊपर जो उन्होंने ली है। बट मैं अभी भी ये मानना चाहता हूं कि मैं एक फाइट और देखना चाहूंगा इलिया टोपुरिया की एक हाई कैलिबर अपोनेंट की तरफ से। देखिए मैं जॉश एमेट को कुछ भी खराब नहीं कर रहा, बहुत अच्छी फाइट लड़ी उसने अपने हिसाब से, बट स्टिल मैं ऐसा मानता हूं फेदर वेट के टॉप के डिवीजन के जो बंदे हैं वो ज्यादा बेटर है जॉश एमेट से, क्योंकि जॉश एमेट देखिए काफी ज्यादा एज हो चुकी है उसकी स्पेसिफिकली, और वो फाइटर मेरे को स्किल वाइज उतना तगड़ा फाइटर नहीं लगता। वो फाइटर होता है ना जो अपनी रुथलेसनेस पे फाइट करता है, अपनी नॉकआउट पावर के ऊपर फाइट करता है। जॉश एमेट एक ऐसा फाइटर है, उस पर बहुत ज्यादा टेक्निकल बॉक्सिंग या टेक्निकल स्ट्राइकिंग स्किल्स नहीं है। सिमिलरली हम यहाँ पर देख सकते हैं जैसे बाकी सारे जो फेदरवेट के टॉप के बंदे जैसे वोल्कनोव्स्की, याएर, मैक्स, ये तीनों बंदे टेक्निकलिटी पे बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं, ये हाई लेवल स्किल्ड अपोनेंट जो होता है ना वो। और सिमिलरली मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि इलिया टोपुरिया स्किल्ड नहीं है, वो बहुत स्किल्ड है। उसकी इस फाइट में हमने देखा कि वो स्ट्राइकिंग भी अच्छी कर लेता है, बॉक्सिंग भी अच्छी कर लेता है, और साथ ही साथ उसके पास ग्रैपलिंग भी बहुत तगड़ी है। तो डेफिनेटली मैं एक हाई लेवल स्किल्ड अपोनेंट की तरफ भी एक बार देखना चाहूंगा कि इलिया टोपुरिया उसके अगेंस्ट कैसा परफॉर्म करता है। और जो ये कॉल आउट है इलिया टोपुरिया का अलेक्जेंडर वोल्कनोव्स्की के लिए, और उनका ये जो कहना है कि वो सिट आउट करेंगे अब टाइटल शॉट के वेट करेंगे, तो देखिए ऐसा नहीं हो सकता है। आपके पास अच्छी हाइप है, आप इसको मेंटेन कर सकते हैं, बट यूएफसी आपको डायरेक्ट अभी टाइटल शॉट नहीं देगी। बहुत सारी बातें तो ये हो रही है कि अगर अलेक्जेंडर वोल्कनोव्स्की याएर रॉड्रिगेस को हरा देते तो वो मोस्ट प्रोबेबली मूव ऑन कर जाएंगे फेदरवेट डिवीजन से, वो दोबारा फाइट नहीं करेंगे फेदरवेट डिवीजन में, वो लाइटवेट डिवीजन में चले जाएंगे। तो ऐसा भी यहां पे पॉसिबिलिटीज है कि ऐसा भी हो सकता है। और साथ ही साथ देखिए इलिया टोपुरिया के लिए मैं यहां पे ये मानता हूं कि अगर अलेक्जेंडर वोल्कनोव्स्की स्टे करते हैं काफी अच्छा मैचअप है यहाँ पर इलिया टोपुरिया वर्सेस अलेक्जेंडर वोल्कनोव्स्की, क्योंकि आप देख सकते हो याएर रॉड्रिगेज एक बैड मैचअप मैं मानता हूँ इलिया टोपुरिया के लिए, क्योंकि याएर रॉड्रिगेज बहुत लंबा है फेदरवेट डिवीजन के हिसाब से और उसके पास ज्यादा टेक्निकल स्ट्राइकिंग है। पर जॉश एमेट वाली फाइट में भी, ब्राइस मिचेल वाली फाइट में भी सेम गलतियां इलिया टोपुरिया इस फाइट में भी कर रहा था। हमने देखा कि वो कुछ ज्यादा ही ओवर एक्सटेंड करता है अपने पंचेज में। इलिया टोपुरिया अपने हर पंच में 100% देता है, ओवर एक्सटेंड करता है और नॉकआउट निकालने का ट्राई करता है हर पंच के साथ, जो कि अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। याएर रॉड्रिगेज जैसा टेक्निकल स्ट्राइकर वहां पे काउंटर कर देगा बहुत इजीली। तो मेरे हिसाब से अलेक्जेंडर वोल्कनोव्स्की एक ज्यादा स्टाइलिस्टिकली ज्यादा बेटर फाइट है इलिया टोपुरिया के लिए एज कम्पेयर टू याएर रॉड्रिगेज। तो डेफिनेटली ये देखने वाली बात होगी कि कैसे प्रोग्रेस आउट करता है। याएर रॉड्रिगेज से फाइट होती है, मैक्स हॉलोवे से फाइट होती है, अलेक्जेंडर वोल्कनोव्स्की से फाइट होती है। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है एक फाइट और लगेगी टोपुरिया को टाइटल शॉट तक जाने के लिए। बाकी भाइयों आप सब मुझे नीचे अपना कॉमेंट सेक्शन में ओपिनियन जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से किसकी अगली फाइट होगी इलिया टोपुरिया के साथ फेदरवेट डिवीजन में। भाइयों इस माइक के बारे में भी अपना रिव्यू जरूर बता दीजिएगा कि इसका ऑडियो क्वालिटी आप सबको कैसा लग रहा है सुनने में। टिल देन अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टिल देन मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।